मैं आपको बता दूं, मेरा एक फायदा और हुआ है यहाँ पर रुकने का, 7 दिन का क्वारंटाइन फ्री में हो जाएगा। तो दाचा के बाद अगर नंबर बंद हो गया तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। का ट्रैवल पास था ले लद्दाख का, 9 डिग्री का टेम्परेचर, रात के 1 बजे हो जाएगा। सो फिलहाल जब मैं आपको नीचे जाने के लिए बता रहा था तो खाना वाना करके अब नीचे चल रहे हैं। मैंने बस स्टैंड पे बैटरी वगैरह चार्ज थी, वो डाउन थी कैमरे की, तो चार्ज कर ली है, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लिया है। तो अभी इधर से जा रहे थे, रास्ता मेरे ख्याल से उस साइड से है, बताया था उन्होंने, इस साइड से है या नहीं है तो उतर के देखना पड़ेगा आगे के लिए। और यहाँ पर कुछ मंदिर जैसा ही है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये मंदिर जैसा ही है। यहाँ से जाने में रास्ता जो है रिस्की है, क्योंकि भजन एक तो और फिसलन भरा रास्ता है, तो यार गिर ना जाऊँ मैं। देखो अगर फिसला तो मेरे साथ साथ मैं तो जाऊंगा, कैमरा भी जाएगा। ये आर्मी की गाड़ी खड़ी है, कोई कहना ना लगे मुझे, वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये होटल है इस साइड से, रेस्ट हाउस। ये भी अपना सोलो राइडर जा रहे थे, वे भी शूट कर रहे थे, मतलब वीडियो का उनकी शूटिंग चल रही थी। तो मैं भी इस साइड से होते हुए आ गया। रास्ता किस साइड से है पता नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ़ायदा और हुआ है यहाँ पर रुकने का, वो ये कल जो मैंने कोविड टेस्ट कराया था तो उसकी रिपोर्ट जो है आज 3 बजे के बाद ही आने वाली है। तो दारचा जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, दारचा जसपा, हाँ जसपा यहाँ से 15-20 किलोमीटर जो भी रहता है। तो दारचा के बाद क्या है ना, नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, तो मोबाइल का कोई भी नेटवर्क मिलेगा नहीं। और नेटवर्क ख़त्म होने के बाद फिर आगे जो है ना लेह का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो लेह का बॉर्डर अगर लग गया तो समझ लो आपके जितने भी प्रीपेड कनेक्शन हैं नंबर के बंद हो जाएंगे। तो मैंने जो नंबर रजिस्टर्ड कल कोविड टेस्ट के लिए दे रखा है उस पर जो है मैसेज आएगा आज ही, कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है वो उस पर सेंड होगी। तो अगर वो नंबर अगर नेटवर्क चला गया तो वो वैसे भी डाउनलोड नहीं होगी, और अगर लेह में मैं चला गया तो फिर वो बंद ही हो जाएगा, तो रिपोर्ट नहीं निकल पाएगी। तो फ़ायदा ये रहा यहाँ पर रहने पे कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो अपनी आज मिल जाएगी, वरना तो लेह में जाने का 7 दिन का क्वारंटाइन फ्री में हो जाएगा, फिर वहाँ जाकर कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। वहाँ यहाँ तो फ्री हो गया था सरकारी में, वहाँ पैसे लग जाएंगे या जो भी प्रोसेस होगा, मैं फ़िलहाल कह नहीं सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो फ़ायदा ये हो गया। और दूसरा ये वहाँ का जो परमिट है, जो ट्रैवल परमिट होता है, तो ये मेरे पीछे जो है तहसील है, यहाँ पर पीछे हॉस्पिटल भी था, तो तहसील का यहाँ पर जो है तहसील है, गांव में ही मैं अंदर को आ गया। मेरे को लगा नीचे डायरेक्ट का रास्ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो चलते चला जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो यहाँ पर, मैंने पीछे वीडियो बनाई नहीं क्योंकि तो पुलिस वाले थे, तो मैंने कहा छेड़ ना ले। तो घूम फिर के मैं वापस ही बाहर के रास्ते पे आ गया हूँ यहाँ। जाने की कोशिश तो मैं नीचे को कर रहा था, बट घूम फिर गया मैं वहीं पर, मतलब बाहर को निकल कर आ गया नीचे से ऐसे उतर के, और ऊपर को जाने लगा रास्ता। यहाँ समझ नहीं आ रहा नीचे जाने का रास्ता कहाँ पर है। तो बाहर ही बस स्टैंड पे जहाँ पर मैं उतरा था वहीं पर पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से चलते हैं पीछे से ही। तो वहीं से वापस घूम फिर के ऊपर की ओर आने लग रहा था मैं, नीचे को रास्ता था, तो नीचे को कहीं पर किसी के घर घर पर जाना पड़ेगा। अभी बिजली घर है, इधर से जा रहा था मैं। तो वही तार वूर पड़े हैं, तो जाना बेकार है, कोई टोकने लगे अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि बिजली के तार है, रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी यहाँ पुलिस थाना है, पुलिस बहुत ज़्यादा घूम रही है। तो सेकंड जो था, यहाँ पर रुकने के बाद जो वहाँ का ट्रैवल पास था लेह लद्दाख का, नूरा वैली का जो पास बनता है, मैं उसका थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर रहा था, ऑनलाइन में मैं देख रहा था कैसे कैसे बनता है। तो मेरे को खैर पता तो लग गया, बट वहीं से बनवाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बता दूँ उसके अंदर जो है ना चार्जेस लग रहे हैं। आज तक किसी नहीं ट्रैवलर ने मुझे ये नहीं बताया कि कितने का बनता है, और मैंने देखा भी है, हर किसी ने ये तो बताया कि पास बनता है, लेकिन कितने का बनता है ये आज तक नहीं बताया किसी ने। तो उसका कॉस्ट अभी मैंने बात की थी तो तीन बंदों का बना था, तो उन्होंने 1500 रुपये कुछ का बनवाया था, और जून के महीने में भी किसी ने बनवाया था तो 2600 कुछ रुपये का बना था। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जितना आप जितने दिनों का आप बनवाओगे उतना महंगा बनेगा। तो उन्होंने 6 दिन का बनवाया था तो 1500 रुपये का बना था। अब मैं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने 3 बंदों के लिए बनवाया था और मैं सिंगल हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरा कितने का बनेगा, तो मैं आपको कल बताऊँगा। अप्लाई मैं वहीं से करा लूँगा, रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि पेमेंट का रिस्क रहता है ना गवर्नमेंट में, अगर पेमेंट फंस गया तो नुकसान अपना हो जाएगा। वहाँ से कराएँगे, चाहे जो भी चार्जेस उनके अप्लाई करने के होंगे वो देंगे। और ये एक दिन पहले कराना पड़ता है, अगले दिन को ये आता है, परमिट इसे आने में भी आ जाता है हैंड टू हैंड, लेकिन इसका टाइमिंग बस एक दिन पहले अप्लाई करके अगले दिन ही आता है, जिस तरह से कोविड टेस्ट रिपोर्ट आती है। तो ये सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर बैठ कर जुटा रहा था। और हाँ, दूसरा ये, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था तो वहाँ पर नंबर मांग रहा था, नंबर मेरे पास इस समय प्रीपेड नंबर है, और प्रीपेड नंबर जो है लीव में काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, तो मैंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर डाउनलोड होने लगा मोबाइल नंबर से तो मोबाइल नंबर चलेगा नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ पर भी आज इसी वजह से रुक गया, क्योंकि कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नंबर पर ही आएगी, तो दारचा के बाद अगर नंबर बंद हो गया तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर इससे बेहतर है आज ही यहाँ पर रह लो और रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वरना वहाँ पर जाके क्वारंटाइन का प्रोसेस है ऑनलाइन का, दुनिया भर का, वह और दोबारा से कोविड टेस्ट रिपोर्ट करानी पड़ेगी। तो उन सारी झंझटों से बचने के लिए ठीक है आज ही यहीं पर, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, तो उस साइड से चलते हैं। इस साइड से ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस साइड से, और ऊपर से मैं आ ही गया था, तो थोड़ा सा उस साइड से हरियाला आपको दिखा दूँगा। और ऊपर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा ही आ गई है इस समय, मेरे को दिख रहा है सुबह के टाइम में कम थी, और इस समय स्नोफॉल बहुत ज़्यादा आ गई है, और इस साइड में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा आ गई है, पीछे से एकदम साफ दिखाई दे रही है स्नोफॉल। बैक की वजह से ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि धूप एक तो बहुत टेम्परेचर हाई है सूरज का, और दूसरा बैग लिया हुआ है मैंने, तो इस वजह से ठंड नहीं लग रही, वरना हवाएं तो काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। मैं वहाँ पर स्टेशन पर बस स्टैंड पर बैठा था, तो वहाँ पर मेरे को ठंड लगने लग गई थी, तो फिर मैं धूप में वहाँ खड़ा हुआ, तो तब मेरे को कुछ सुकून मिला। तो वैसे तो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से शॉर्टकट, आगे को भी जा सकता था, बट मैं गया नहीं, सोचा यहीं से निकल जाता हूँ, है तो ये भी बस स्टैंड की ओर कोई रास्ता तो जा रहा है यार, नहीं चलते आगे। ऐसा रहता है ना, यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते रहते हैं तो घरों से गुजरते हैं, और जैसे शिमला में मतलब घरों के अंदर से ही मैं निकल के गया था, बाहर से जो उनका एरिया रहता है ना मकान का, उसके अंदर से निकल के गया था मैं, छोटे छोटे यार, पूरा रास्ता पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ा था खड़े उसका, यहाँ से भी है लकड़ियों की सीढ़ी रखी है, तो लकड़ियों की सीढ़ी से नहीं जाते हैं कि भी। अच्छा, शायद टमाटर या मिर्ची की वो है पैदावारी। ये पीछे का नज़ारा देखो आप, ये जो मिट्टी आ गिर रही है ना कच्चे पहाड़ की, तो ये नीचे आ रही है, अगर ये ऊपर होती हैं तो नीचे आने पर लैंडस्लाइड हो जाता है, मतलब रास्ते बंद हो जाते हैं और ये खसक जाती है। तो देखो यहाँ पर ये गिर रही है, बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ रही है,
खतरनाक जगह रहती है इस तरीके की। फिलहाल एक सीन हो चुका है और सीन ये है, सीन जो है कल मैंने कोविड टेस्ट जो रिपोर्ट कराई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा मनाली में, और मैं केलांग के लिए आज आ गया हूँ। तो अब 3 बजे मेरे पास मैसेज तो आया, पर मैसेज में जो है लिंक वगैरह पीडीएफ का कुछ भी नहीं है, जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट होती है। तो अब वो पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करूँ वो मुझे नहीं पता लग पा रहा। तो उस मैसेज में लिंक नहीं दिया गया है, एसआरएफ आईडी दी गई है, बट मैं उससे डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी तरह से। होती है या नहीं होती है वो तो बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर आपने सैंपल दिया था हॉस्पिटल में, और वहाँ से अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। अब यार वापस थोड़ा ना जा सकते हैं केलांग के लिए वापस। अब मैं आ गया आगे तो शॉर्टेज हो गई। अगर वो मुझसे बताते कि हाँ ये पीडीएफ में सेंड नहीं होगी, आपको हार्ड कॉपी यहाँ से लेनी ही पड़ेगी, तो मैं देखता रुकता वहाँ पर। फिर अभी मैं एक इंटरनेट साइबर कैफे वाले की दुकान पे जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ से अगर डाउनलोड हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पर जो रोडवेज है वो बोल रहे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं रोडवेज में काम करते हैं, बसें जाती हैं, वो कह लेगा चले जाओ, और तुम्हारे पास मैसेज तो है, मैसेज में लिख तो रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर दिक्कत क्या है। लेकिन बात ये है ना, हार्ड कॉपी अगर कोई मांगने लगा या फोटोकॉपी जीरोक्स कुछ भी मांगने लगा तो कुछ भी नहीं है। मैसेज के अलावा मैसेज तो दिखा सकता हूँ मैं सभी को, तो यानी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग जाते हैं और हम तुम्हें कोई गलत थोड़ा ना गाइड करेंगे, तो चले जाओ अब, तुम्हारा मैसेज दिखा देना अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे इससे घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, एंट्री तो मिल ही जाएगी, बट वहाँ पर क्या होगा ये प्रोसेस है ना। मान लो तुम आरटीपीसीआर नहीं लेकर जा रहे हो तो क्वारंटाइन के लिए बोल सकते हैं 7 दिन के लिए, और दोबारा वो तुम्हारा कोविड टेस्ट करेंगे, तो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तभी वो तुम्हें रिलीज़ करेंगे। तो ये सीन की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो देखते हैं अभी अगर इंटरनेट पर अगर डाउनलोड हो पाती है तो जो मेरे पास एसआरएफ नंबर है उसके ज़रिए, वरना क्या सीन रहेगा कल ही देखेंगे। अब जाने वाला तो मैं हूँ नहीं हूँ रिपोर्ट लेना, मैं तो सीधा निकलने वाला हूँ यहाँ से ले के लिए। अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो देखते हैं, वहाँ दोबारा रैपिड वो करा लेंगे टेस्ट, और अपना मैसेज है तो मैसेज दिखा देंगे, वहाँ से करा लेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, टाइम तो खैर लगेगा ही। सो गाइस फिलहाल जो है अपना जो कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर का जो पीडीएफ था रिपोर्ट थी वो डाउनलोड कहीं से भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ले लो आके, तो यार केलांग में हूँ तो केलांग में से नहीं जा के ले सकता हूँ, कल को मिलेगी वहाँ से भी। लेकिन कोई नहीं, मैंने साइबर कैफे भी नहीं निकली थी, वो भी कह रहे थे कि अगर आपके पास लिंक है तो ही निकाल पाएंगे आरटीपीसीआर का, जो आपका मैसेज में लिंक होगा तो ही निकाल पाएंगे हम, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो फिर मैंने जो हॉस्पिटल था जहाँ से मेरा कोविड टेस्ट जहाँ का एड्रेस दिया गया था मंडी में जो मेडिकल जहाँ से सैंपल होने गया था, मैंने वहाँ का नेट पर नंबर सर्च किया। सब नंबर सर्च करने पे मैंने उनसे मालूम किया मेरे साथ ऐसे से है, मेरे को रिपोर्ट चाहिए हैगी। तो फिर मैंने उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया, फिर मैंने दूसरे को कॉल करा, उन्होंने कहा कि हम भी नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर दिया जो वहाँ के सैंपल लेते हैं डॉक्टर वगैरह जो भी थे, तो उन्होंने नंबर नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा जो पहले दूसरे नंबर पे कॉल की थी मैंने फिर से, उन्होंने फिर मेरे को सुपरवाइज़र का नंबर दिया। तो सुपरवाइज़र से मैंने बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे रिपोर्ट चाहिए, वहाँ से मैं नहीं ले पाया। उन्होंने मेरे को कहा था कि मैसेज पा जाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट तो हम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी ना जो साइन हुई ओरिजिनल वो थी, तो उन्होंने लिस्ट मेरे को सेंड कर दी थी कि आप लिस्ट रख लो, लिस्ट में आपका नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डॉक्टर का साइन है, दिखा देना मैसेज भी दिखा देना, तो आपको कोई नहीं रोकेगा वहाँ पर। तो लेह में प्रॉब्लम नहीं आती, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट से प्रॉब्लम आएगी। तो इतना सारा आउटम करने के बाद तब जाकर मेरे को मिला है, और कल जो एंट्री होगी कल शाम को जो भी है तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं हुई है। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से ना आप 2 से 3 दिन भी परेशान हो सकते हो। तो मनाली में मेरे को 3 दिन लग जाते, अब कल को भी टेस्ट कराया था, आज शाम 3 से 5 के बीच में रिपोर्ट देने के लिए बोल रहे थे, और उनका सेंटर जो है 12 बजे बंद हो जाता है और हॉस्पिटल बंद हो जाता है 4 बजे,
तो कल को रिपोर्ट मिलती है, अब मान के चलो अब 3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट लेने में भी। एक दिन टेस्ट कराया, दूसरे दिन गैप रह गया बंद होने का, तीसरे दिन जाके मिल रही है। और 96 घंटे की जो है वो वैलिड होती है ले में एंटर करने के लिए, 96 घंटे की होनी चाहिए रिपोर्ट आपकी, 96 घंटे के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो एंटर नहीं होने देंगे। तो आज यहीं पर बस स्टैंड पर कैंपिंग करूँगा मैं। 9 डिग्री का टेम्परेचर रात के 1 बजे हो जाएगा, तो कैसा अनुभव रहेगा वो मैं कल बताऊँगा आपको। यहाँ का टेम्परेचर जो है 9 डिग्री का हो जाएगा आज रात को, तो कैसा अनुभव रहेगा कैंपिंग का वो मैं आपको कल बताऊँगा। तो बस यही कोशिश करता हूँ यार छोटी छोटी मैं इंफॉर्मेशन दूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग करना तो एक अलग बात हो गई। ट्रैवलिंग मैंने भी काफ़ी सारे ब्लॉग देख लिए और मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी। और मैंने जगह जगहों पर देखा दुनिया भर का कहाँ से कैसे क्या कोविड टेस्ट कहाँ से डाउनलोड होगा, कुछ नहीं मिल रहा यार। और जो परमिट है, परमिट कितने का बनता है वो भी कोई नहीं बताता है, तो देखना पड़ेगा यार। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी मैं कवर करता हूँ इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं। सो गाइस, जो है आज रात के लिए हमने केलांग में बस स्टैंड पर कैंपिंग कर ली है, देख सकते हैं। और फिलहाल कैंपिंग करते करते मेरे को गर्मी आ गई थी थोड़ी सी, तो मैंने जैकेट उतार कर रख ली है। हालांकि थोड़ी देर में ठंड लगने लगेगी। और रात के लिए जो है अपना ज़्यादा कुछ लगेगा तो अपना स्लीपिंग बैग तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 डिग्री की जो है ठंड पड़ेगी यहाँ पर, तो देख सकते हैं। और मैंने एक फ़ायदा और किया है यहाँ पर, मतलब कैंपिंग करते से यहाँ पर अपना जो चार्जिंग का पॉइंट था वो आसानी से मिल गया था, मैं अपना चार्जिंग वगैरह सब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसी के बराबर में कैंपिंग लगा ली और यहाँ से चार्जिंग का जो प्लग है लगा लिया, ताकि मोबाइल वगैरह और बैटरी वगैरह चार्ज हो सके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आज रात का वो कल सुबह बताएंगे। 11 डिग्री का टेम्परेचर में कैसा रहेगा कैंपिंग का, तो स्लीपिंग बैग अपना निकाल लेंगे रात को। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।